अस्सलाम वालेकुम सलाम। तीने का फनाया भी। चलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी टाइम हुआ है 10:40। तो फिलहाल मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस आज ना मैं जा रहा हूँ मेरे मम्मी के नानी के वहाँ। तो भाई साहब मम्मी के भी नानी है भाई, तो मैं अभी जा रहा हूँ उनके वहाँ। अभी नहीं, दोपहर में जाऊँगा 3 या 4 बजे। तो भाई अभी तो फिलहाल मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने ब्लॉग भी अपलोड कर लिया है। तो भाई देखते हैं गाइस आगे के ब्लॉग में हमें क्या करना है। और गाइस मेरे मम्मी के नानी के वहाँ जाएंगे, उनके गांव में। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आज के ब्लॉग में। इसीलिए गाइस सब इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं ब्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। बिना 12:15 बाकी है और मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि गाइस आज ना मेरे घर में बनने वाला है सेव सड़। और गाइस मेरी बहन को चाहिए कलर कॉर्न। तो चलिए हम लोग जाते हैं। एकदम फास्ट गाड़ी चलाओ ना, एकदम फास्ट है, बोलो ना कुछ फास्ट चलाओ। तुम्हारे हिसाब से कितने की स्पीड में चलाओ? 10 की स्पीड में? सच्ची 10 की स्पीड में गाड़ी चलती है गाइस। कम से कम 40 की स्पीड तो होनी चाहिए। सेव शॉट में सेव और हाँ इसका कलर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। मैं पार्किंग में आ चुका और मैंने सोचा कि भाई घर में ना कचरा था। मम्मी ने बोला कि ये वो भी फेंकते जाना, लेकिन गाइस मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, वो भी हम लोग फेंक देते हैं। तो भाई साहब मैंने बोला कि हाँ भाई मैं ऊपर जाके कचरा लेके आता हूँ। और गाइस मैं बोल रहा हूँ गाइस बाहर आप कचरा मत फेंकना, क्योंकि गाइस मैं ना डब्बे में फेंकने आ जाऊँ, जो कचरे का डब्बा होता है ना वहाँ भी फेंकने जा रहा हूँ। और गाइस जो बड़े लोग होते हैं, मैं इतना छोटा होकर ऐसी बात कर रहा हूँ भाई, और जो लोग बड़े लोग होते हैं भाई वो लोग फेंकते हैं भाई। मैं कैसे सोचता हूँ कि मैं छोटा होकर ऐसी बात कर रहा हूँ कि आप बाहर मत फेंको, इधर मत फेंको, उधर मत फेंको। और जो बड़े लोग फेंकते हैं भाई दिल से बुरा लगता है। तो भाई प्लीज़ यही यहाँ वहाँ कचरा मत फैलाना भाई साहब। तो अभी हम लोग जाते हैं। मैं ना अभी फाइनली कचरा डालने आ चुका हूँ। देखो भाई यहाँ पर डब्बे रखे भाई, यहाँ पर हम कचरा डाल सकते हैं। गाड़ी में डालो या फिर यहाँ पे डालो, दोनों। फाइनली मैंने कचरा डाल लिया है। अब हम लोग चलते हैं घर नहीं सॉरी किसी दोस्त के पास या फिर वापस स्टोर। अभी ना मेरे साथ कोई भी दोस्त ने आने से मना कर दिया, क्योंकि गाइस मैं मैदान में से ले रहा था ना उन लोगों को, तो उन लोगों को लग रहा था कि मैं जैनब तक उन लोग को छोड़ के वापस आ जाऊँगा। लेकिन गाइस कोई आया नहीं है, दिल से बुरा लग रहा है। अकेला ही जा रहा हूँ मैं। अभी भाई जेपी पास खड़ा हूँ मैं। अभी ना हम लोग आ चुके हैं बापू स्टोर में। पीछे बापू स्टोर में आपको बापू स्टोर में मिलता हूँ, मतलब अभी जा रहा हूँ। गाड़ी यहाँ पे मैंने रख दी है, ले लिया बस। अभी ना हम लोगों ने सेव ले लिए। अब हम लोग फिलहाल चलते हैं कौन लेने। ना मैं कलर कौन लेने आ चुका हूँ भाई। मेरे को 70 रुपये के गाइस वो पड़ी है, क्या कहते उसको, सेव सड़ की सेव। अब मैं कलर कौन ले लेता हूँ। कलर कौन है देख, कलर कौन हमको नहीं मिला है। अब ना मैं एक और दुकान में रुका हूँ। चलिए गाइस मैं कब से घूम रहा हूँ कलर कौन के लिए। ये सिर्फ 2 ही दुकान आपको मैंने बताई, लेकिन गाइस मैं इतनी देर से घूम रहा हूँ ना, लेकिन गाइस किसी को कलर कौन के बारे में पता ही नहीं है। तब हम लोग एक काम करते हैं, दूसरी कोई दुकान पे चलते हैं जिसको पता हो। किसी को भी कलर कौन के बारे में पता नहीं है भाई। अब तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी कलर कौन के बारे में नहीं पता। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, घर चलते हैं भाई। कामयाबी के साथ हम लोग अभी सेव सड़ की सेव लेके हम लोग घर जा रहे हैं। बिना मैं घर पर आ चुका हूँ और जो सेव सड़ की सेव है ना वो मैं ले आया था, तो अभी सेव सड़ के साथ मिक्स करके मैं खा लेता हूँ। ऐसे भी ना मेरे लिए सेव सड़ आ चुका है, तो मैं आपसे खा के मिलता हूँ। बिना 4:25 हो चुकी है और गाइस पूरी हमारी फैमिली जा रही है गाइस गाँव। मैंने सुबह में आपको बता दिया भाई, आज ना हम मम्मी से मिलेंगे, मतलब मम्मी से मिलते रहते हैं, लेकिन मम्मी के मम्मी से मतलब नानी से मिलेंगे और नानी के भी मम्मी से मिलेंगे। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो भाई पापा भी तैयार हो चुके हैं, कामिल भी तैयार हो चुका है मस्त अपने सूज के साथ, सीमू भी तैयार हो चुकी है, मेरा मम्मी भी तैयार हो चुके हैं। देखो भाई तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं नानी के घर पे। नानी के घर पे नहीं, नानी के मम्मी के घर पे। गाइस अभी ना हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाइस जो गांव में मज़ा आता है ना वो शहर में नहीं आता। तो एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं अब सीधा गाँव। की शुरुआत हो चुकी है, देख सकते हो आप। This is it, the borderline to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die. फाइनली हम लोग आ चुके हैं मारेठे में भाई, गांव में पहुंच गए फाइनली। चलो भाई अभी हम लोग घर में जा रहे हैं, मेरे नानी के मम्मी के घर जा रहे हैं भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस। यहाँ पे घर देख सकते हो आप। चल चालू रखियो, मैंने कान में गुट्टी पहनी है तो कुछ ना कुछ भाषण देगी। स्टार्ट ये बोला है कि वीडियो स्टार्ट ही रखना है क्योंकि गाइस कामिल को ना बोलिया पड़ने वाली है, क्योंकि गाइस कामिल ने बुट्टी पहनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गाइस मेरे मम्मी, उनके मम्मी, उनके मम्मी और इनकी बहन और इनकी बहन लाइन की लड़की तो बता दे। मेरी खाला, हाँ इनके खाला, इनकी लड़की, हाँ रुको, इनकी लड़की, इनका लड़का, इनका लड़का। इस पहल मामा को सलाम करनी। मेरा अस्सलाम वालेकुम। आ चुका हूँ मैं गाँव में भाई। तो गाइस अभी तक मैं सेफ हूँ। नहीं कोचा स्टार्ट हो गया इसको गुलिया पड़ने का। नानी नानी बुट्टी पहन के आया, बुट्टी पहन के आया, लड़की बन के आया। नानी नानी नहीं बोला, खाली बनाने वो इसमें बनाने पड़ते, इसका भी वीडियो बनाए और इसके लिए पहनना पड़ा ना। हमारा प्लान है कि भाई मैं ना ब्लॉग बताऊंगा दूसरे फ़ोन में सब लोगों को और बताऊंगा कि भाई सब लोग ब्लॉग देख के कितने खुश हो रहे हैं। भाई किसी ने यहाँ पे ब्लॉग नहीं देखा नानी के सिवाय, मतलब जो यहाँ गांव में जो लोग रहते हैं ना। तो मैं आपको बताता हूँ, टेरेस पे जा रहा हूँ मैं, ऊपर जाऊँ ना मैं भाई। यहाँ पे पतंग चका रहे हैं भाई। उत्तरायण कब है? उत्तरायण कब थी? पहली तारीख को उतरायण। ओ भाई ना मैं टेरेस पे आ चुका हूँ और भाई ऊपर से जो तगड़ा वाला व्यू आ रहा है ना, देखो भाई कितने लोग यहाँ पे पतंग चगा रहे हैं। देखो ये कुछ कहना चाहता है क्या? एक काम करो, ऐसा बोलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक बोले एंड सब्सक्राइब साहिल ब्लॉग्स। ब्लॉग देख रहे हैं इस्माइल मामा, मस्त फोन में ब्लॉग देख रहे हैं मेरा। मैं आपको प्रॉपर घर बताता हूँ। ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये रहा गेट, ये है घर की स्टार्टिंग। अंदर जाके आता हूँ। ओ रे भाई अंदर से गाइस तगड़े वाले आईफोन 11। ये रहा किचन। तो भाई ये कुछ सीन है ये वाले घर का, हमारे ठेका। मैंने थोड़ी चाय बोला तो इतनी दी। ना मैंने पीता, वीडियो वाली ना मैंने उतरते वीडियो में मैंने पीता, पर पीता है ये छोकरा पीता है। बस 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 मैं मम्मी को दे दूंगा। गाइस मैं ना चाय तो नहीं पीता, लेकिन गाइस ये वाले नानी ने मुझे जबरदस्ती पिला रहे हैं भाई। मैं ट्राई करता हूँ। मीठी लगी अजीब रिएक्शन। तो गाइस अभी साइंस हो गया है और पप्पा जा रहे हैं सबके घर कच्चे कावका बनाने। देखिए अभी ये सो रहा था। अभी हम लोग ना जा रहे हैं ये नानी का घर देखने। मैंने तो देखा है लेकिन गाइस आप लोगों ने देखा नहीं देखा, इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं भाई फाइनली। हम लोग जाते हैं गाइस। यहाँ पर ना इतनी छोटी छोटी गलियाँ है ना भाई, गांव की ना गाइस फीलिंग गलियाँ होती है भाई, अलग ही लेवल की। ये सूज उतारने पड़ेगी। फाइनली आ चुके हैं और गाइस वो वाला है ना जो रेंट पे दे दिया है ये इधर से बाहर। ये दोनों भाड़ा दिए लगे, देखो भाई दोनों रेंट पे दिया हुआ है अपना सारा घर। हाँ झाड़ा पड़ा है, एक आंबा इधर है, बढ़िया आंबा है। वाओ गाइस आज की कम व्लॉगिंग मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा व्लॉगिंग ये कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा लंबा व्लॉग बन गया था, इसीलिए गाइस फिलहाल मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। और गाइस आगे का व्लॉग ना पार्ट 2 में देख लेना। तो फिलहाल मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। ये देख लो इसको, ओए ये और वो कुत्ता, वो गाय और ये तो नहीं दिख रहा भाई, भाई ये एटीट्यूड दिखा रहा है मुझको ये तो भाई ये तीन ना कब से ना मुझको घूरे जा रहे हैं, पता नहीं क्यों।